देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर गिराने को लेकर के सियासत भी तेज है। उत्तराखंड के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, रविदास मंदिर को गिराने का भी मुद्दा उठा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हाल ही में दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को गिराने का मुद्दा भी उठा। शाह ने भरोसा दिलाया कि मंदिर को फिर से बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। सुरेश राठौर की गिनती रविदास आचार्य के तौर पर होती है। वो महज एक आम राजनेता नहीं, उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिनमें वो राम कथा की व्याख्या अपने तरीके से करते हैं। समाज जिस व्यक्ति जो जहां जन्म लेता है तो उसी के संस्कार उसके ऊपर पड़ते हैं। हम देखते थे कि टेलीविजन के ऊपर राम कथाएं आती हैं, भागवत कथाएं आती हैं, शिव पुराण आती हैं, दुर्गा चालीसा आती हैं, साईं संध्या आती हैं, तरह तरह की हनुमान जी की कथाएं आती हैं, बहुत सारी कथाएं आती थी। हमारे मन में विचार हुआ, गुरु का आदेश हुआ कि ऐसा क्यों नहीं, जो दुनिया को एक महान संत मिला जिसने मन चंगा तो कटौती के अंदर गंगा, गंगा और पुत्र और माता का जिसके साथ नाता हो उसके बारे में कोई कथा क्यों नहीं आती। तो संयोग से 2010 में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ब्राह्मण समाज ने मेरी पहली कथा का आयोजन हरिद्वार में प्रारंभ किया और तब से लेकर हम उनकी कथाओं के द्वारा दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं। गृह मंत्री शाह ने राठौर को यह भी भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही हरिद्वार आएंगे, जहाँ पर 2021 के महाकुंभ की तैयारियों का वो जायजा भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।